हेलो दोस्त, आप देख रहे हो प्रैक्टिकल फिलोसोफर ऑफिशियल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अरशद खान, और आज मैं बात करने वाला हूं ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, जिन चीजों को अगर आप अपनी रिलेशनशिप में अप्लाई करोगे तो आपका रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत, बहुत बेहतर हो सकता है। तो इन टॉपिक्स पर हम बात करेंगे आज, और वीडियो में अंत तक बने रहना जिससे कि आपको एक एक चीज समझ में आ सके। अगर आप चाहते हो कि आपकी रिलेशनशिप बेहतर बने, आपकी रिलेशनशिप खूबसूरत बने, तो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम आपको दिख रहा है सामने ही, इस पर जाओ, प्रैक्टिकल फिलोसफर ऑफिशियल का ही हैंडल है, आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर बात यह है, यहाँ मैं डेली लाइव आता हूँ, तो आप मेरे से लाइव जुड़ सकते हो, मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉर्ट आउट करवा सकते हो। तो प्लीज़ गो टू द इंस्टाग्राम, ओके मेरे दोस्त। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको रिलेशनशिप को खूबसूरत बनाना है ना, सबसे पहली चीज हमेशा याद रखना कि एक टाइम पे एक ही बंदा क्रेजी होगा। मतलब कि एक टाइम है, एक पर्सन को अगर किसी बात पर गुस्सा आ गया है तो सामने वाला पर्सन उस समय शांत रहेगा। अगर एक पर्सन गुस्से में है तो हमको उस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करनी है, उसमें अपने आप को शांत रखना है। अगर एक पर्सन गुस्सा है, आप भी गुस्सा हो गए ना, तो रिलेशनशिप खराब होना ही होना है। कहते हैं दुनिया का बेस्ट से बेस्ट रिलेशनशिप हो जाए ना, अगर दोनों गुस्से में आ गए तो रिलेशनशिप खराब होनी ही होनी है, उसको खराब होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो एक टाइम पर एक ही बंदा क्रेजी होगा, समझ लो। दूसरी चीज कि कभी भी अपनी रिलेशनशिप में पास्ट की गलतियों को ला करके सामने नहीं रखना है कि किसी ने पास्ट में कुछ किया था, आप उसको ताने दे रहे हो, आप उसको टीच कर रहे हो, आप अपने पार्टनर को बोल रहे हो कि ये तूने ये गलती किया था, तू तो ऐसी है, तू तो ऐसी है, तूने ये कर दिया था। नहीं दोस्त, जो पास्ट था उसको पास्ट में ही खत्म कर दो, पास्ट की गलतियों को प्रेजेंट में ला करके अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, क्योंकि अगर आप वो चीजें, वो गलतियां बार बार लेकर के आओगे ना, सामने वाला पर्सन आपसे दूर ही जाना चाहेगा, समझ लो। तो इस चीज का ख्याल रखो कि जो पास्ट है, जो पुरानी है, उन चीजों को छोड़ दो और प्रेजेंट में उन चीजों को मिक्सअप मत करो। तीसरी चीज, अगर आप अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाना चाहते हो तो एक दूसरे पर कभी भी चिल्लाना नहीं है कि बहुत ज्यादा हाइपर हो जाना है, किसी के भी सामने पब्लिक में अलग अलग जगहों पर आप सामने वाले पर डोमिनेट करना चाहो कि नहीं नहीं तुम तो डाउन हो, मैं बहुत बड़ा हूं या बहुत अच्छा हूं या मैं बहुत अच्छी हूं, बहुत डोमिनेटिंग हूं, तो तुम पर कभी भी चिल्ला दूंगी या चिल्ला दूंगा। नहीं, आपको देखना है कि सामने वाले की रिस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। आप किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो, चाहे आप प्यार में हो या आप कैसा भी रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर रहे हो, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। अगर आपको किसी बात पर गुस्सा आ गया सामने वाले से, आप किसी बात के लिए नाराज हो, उसके साथ बैठो प्राइवेट में, अकेले में अच्छे से उस बात पर आर्गुमेंट कर लो, बहस कर लो, बात कर लो, लेकिन कभी भी चिल्लाना नहीं है। चौथी चीज कि अगर आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगी और आप नाराज हो गए उस चीज में, तो दोनों में से जब बैठोगे आप बात करने के लिए, आर्गुमेंट आप कर रहे हो, आर्गुमेंट में मे बी वो जीत जाए, अपनी बातें सही कर ले, या आप जीत जाओ, तो दोनों में से कोई भी जीत जाए, इस बात को लेकर के दिक्कत में नहीं आना, इस बात को लेकर के हर्ट नहीं होना कि यार वो जीत गई या वो जीत गया। नहीं दोस्त, अगर आप रिलेशनशिप में हो ना, तो आप दो बॉडी एक जान हो, तो दोनों में से कोई भी जीत जाए क्या फर्क पड़ता है। तो चीजें क्लियर रखनी है, बात करनी है, और आर्गुमेंट को लेकर के सीरियस नहीं होना कि मैं हार गया, नहीं, वो जीता तो भी आप जीते, समझ रहे हो। तो इस चीज का ख्याल रखो। पांचवी चीज कि अगर आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो ना, तो क्रिटिसाइज प्यार से करना है, कि अगर आपको कुछ चीजें गलत लग रही है, आप उसको बता रहे हो कि ये चीज तुम्हारी गलत है, उस गलती के साथ आपको कुछ चीजें उसकी वैल्यूज भी एड ऑन करनी है कि ये चीजें तुम में अच्छी है, सब कुछ तुम्हारा अच्छा है, बस ये चीज यार मुझे थोड़ा सा हर्ट करता है। अगर आप प्यार से उस चीज को समझाओगे ना कि यार तुम्हारा सब कुछ मुझे पसंद है, बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छा लग रहा है, यार ये चीज मुझे थोड़ा सा हर्ट कर रहा है, प्लीज इसको ठीक कर लो। अगर आप बात करोगे प्यार से ना, आप अप्रिशिएट करके बात करना स्टार्ट करोगे कि अप्रिशिएट करो कि सब कुछ ठीक है, ये एक छोटी सी चीज तो लोग ठीक कर लेंगे, लेकिन आप बोलोगे तो तेरे में सब कुछ खराब है, तो एकदम ये है, ऐसी है, वैसा है तू, तो इस तरीके से जब आप सामने वाले को ह्यूमिलेट करके बात करोगे, क्रिटिसाइज करोगे, सामने वाले कभी भी नहीं सुनने वाले आपकी, समझ रहे हो। छठी चीज जो इंपॉर्टेंट है कि झगड़े में जो आपकी नाराजगी हो जाती है, आप किसी से झगड़ा कर रहे हो या लड़ाई हो गई, आपकी नाराजगी हो गई ना, उस नाराजगी को नाइट से बाहर मत जाने दो, यानी कि नाराजगी जो भी है ना, रात को सोने से पहले सॉर्ट आउट होनी ही होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, साइकोलॉजी कहती है कि अगर कोई भी लड़ाई झगड़ा या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, उस चीज को लेकर के आप रात को सो जाते हो, तो वो चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है और उसको निकलना बहुत टाइम लगता है, बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आपके झगड़े हो गए, नाराजगी है ना, उसको रात को सोने से पहले सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करो, पूरी एफर्ट लगाओ ताकि वो झगड़ा, वो चीजें रात को सोने से पहले ही सॉर्ट आउट हो जाए। और इसके बाद जो सातवीं चीज आप कर सकते हो अपनी रिलेशनशिप को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, वो है कि दिन में कम से कम एक बार तो कॉम्प्लीमेंट करना ही है किसी भी चीज के लिए, उसके लुक्स के लिए, उसके स्टाइल के लिए, उसकी अदाओं के लिए, उसके अच्छे बिहेवियर के लिए, किसी भी चीज के लिए
आपको एक बार अप्रिशिएट करना ही है। और ये दोनों पार्टनर के लिए बोल रहा हूँ, कोई एक मत लेना कि बॉयज के लिए बोल रहा हूँ या गर्ल्स के लिए बोल रहा हूँ, नो, दोनों को एक दूसरे को कम से कम दिन में एक बार अप्रिशिएट करना ही करना है। क्योंकि आप ये चीज़ खुद के साथ फील करके देखो कि अगर कोई पर्सन आपको अप्रिशिएट करता है, कोई आपकी प्रशंसा करता है, कोई आपको प्रेज करता है, क्या वो आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है। तो जब कोई नॉर्मल व्यक्ति आपकी तारीफ करता है तो आपको अच्छा लगता है, तो जो आपका स्पेशल वन है अगर वो आपसे तारीफ के साथ बात करेगा, वो आपको अप्रिशिएट करेगा, क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा? डेफिनेटली लगेगा। तो जो चीज़ आपको अच्छी लगेगी सामने वाले को भी अच्छी लगेगी। तो चीज़ों को अपने ऊपर रख करके देखना सीखो। तो अप्रिशिएट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एट्थ चीज अगर मैं आपकी बात करूँ तो वो है कि अगर कुछ भी गलती हो गई है ना, मे बी आपने कुछ गलत कर दिया है, आपसे कोई गलती हो गई है, तो प्लीज एक्सेप्ट योर फॉल्ट। अपनी गलती को एक्सेप्ट करो, अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगो। और इसमें एटीट्यूड नहीं लेकर के आना है, इसमें ईगो को बीच में नहीं लेकर आना है। अगर हमसे गलती हो गई है, माफ़ी मांग रहे हैं कि आई एम सॉरी, ये मेरी गलती थी, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, और व्हाट कैन आई डू टू मेक इट राइट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हो गया मेरे से गलती, अब इसको मैं ठीक कैसे करूँ, इस चीज़ पर काम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप ये चीज़ें बोलोगे उससे, पूछोगे यार हो गई मेरे से गलती, अब कैसे ठीक करूँ, बताओ क्या करूँ मैं तुम्हारे लिए, फिर कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी, या फिर वो आपको माफ़ी कर देगी, या फिर ठीक करने की आप कोशिश करो कि वो चीज़ें गलतियाँ दोबारा नहीं हो। तो इस तरीके से आप अपने रिलेशनशिप को खूबसूरत बना सकते हो, बेहतर बना सकते हो। और नाइन्थ चीज़ अगर मैं इसमें एड ऑन करना चाहूँ कि अगर आप चाहते हो कि आपकी रिलेशनशिप अच्छी चले ना, तो आपको सामने वाले को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी चीज़ है जो सामने वाले को हर्ट करती है, कौन सी चीज़ है जो सामने वाले को खुशी कर देती है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई लोग होते हैं सामने वाले को समझ ही नहीं पाते, उनको बस अपनी एक्सपेक्टेशन की पड़ी होती है कि हाँ मुझे सामने वाले से ये चाहिए, मैं ऐसा चाहता हूँ, ऐसा चाहती हूँ। नहीं, सामने वाले को भी देखो, क्योंकि क्या होता है अगर आप किसी को के पीछे भागोगे, या किसी को वो चीज़ें दोगे जिसकी उसे ज़रूरत नहीं है, या किसी से वो चीज़ें मांगोगे जो उसकी देने की औकात नहीं है, तो वो खुश नहीं हो पाएंगे, समझ लो। अगर किसी को कुछ और चीज़ चाहिए, जैसे मुझे पेन चाहिए और मैं पेन मांग रहा हूँ, मुझे कुछ लिखना है, और आप ला करके मुझे मार्कर दोगे, तो मैं क्या करूँगा यार मार्कर का, मुझे पेन चाहिए ना। तो आपको देखना है कि सामने वाले की एक्सपेक्टेशन आपसे क्या है, और आप उसको बेहतर तरीके से कैसे पूरा कर सकते हो। और सामने वाले के पास अगर पेन नहीं है और आप ज़बरदस्ती उससे पेन ही मांगोगे, तो भी उसको हर्ट होगा, दिक्कत होगी। तो समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझदारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड टेंथ और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ, दैट इज़ द इक्वल एफर्ट। इक्वल एफर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जिस रिलेशनशिप में हो, क्या सामने से भी वो एफर्ट आ रहा है जो आप लगा रहे हो, या जो प्यार आप दे रहे हो, क्या सामने से भी वो आ रहा है। अगर नहीं आएगा तो आपकी रिलेशनशिप बहुत जल्दी खत्म होने वाली, क्योंकि कितने टाइम तक आप अपनी तरफ से एफर्ट लगाओगे, सामने से नहीं आएगा, वो चीज़ें आपको हर्ट करेंगी, यार मैं इसको इतना स्पेशल फील करा रहा हूँ या करा रही हूँ, और सामने वाला मुझे बिल्कुल हल्के में ले रहा है। तो आपको देखना है कि क्या आप जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, वहाँ से सेम लेवल के एफर्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर आ रहा है तो ठीक, फिर हम भी अपनी तरफ से प्यार करते रहेंगे, हम और बढ़ाएंगे अपना प्यार, देंगे सामने से भी और चीज़ें बढ़ेंगी, तो बॉन्डिंग स्ट्रांग हो सकती है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। ओके मेरे दोस्त, तो अगर आप ये चीज़ें करोगे तो डेफिनेटली आपकी रिलेशनशिप ब्यूटीफुल होगी, आपकी रिलेशनशिप एक हेल्दी रिलेशनशिप बनेगी, अच्छी रिलेशनशिप बनेगी, और आप एक अच्छे लाइफ की तरफ लीड कर सकते हो। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए। प्लीज शेयर इट टू अदर्स। अगर आप इसे दूसरों तक शेयर करोगे तो मे बी आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे, किसी के जीने का पर्सपेक्टिव बदल दे, किसी की जिंदगी में चीज़ों को लेकर के जो कन्फ्यूजन है वो खत्म हो जाए। तो प्लीज शेयर इट टू अदर्स। ओके मेरे दोस्त, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, बाय बाय।